सिड सिड तो ये बोल रहा था कि भाई मजदूरी के काम गॉड लेके आगे। वी हैव कम अप विद यू नो सम सर्टन रूल सेट्स यू कैन से जो कलेक्टिवली डिसाइड हुआ। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ सारे यू नो बड़े बड़े गोडले के आ गए थे, सिड आ गए थे, सोल के आ गए थे, या फिर तीन चार और आ गया और डिसाइड कर दिया कि भाई ये होना है, यही होएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो इवन द टी ओज वेयर देयर, स्काई से भी थे, यूई से भी थे, नॉडविन से भी थे, सो दे वेयर ऑल्सो देयर इन द मीटिंग एंड इट वॉज अ गुड डिस्कशन। सो फर्स्ट पॉइंट जो उठा था वो है मंडे ऑफ का। तो मंडे ऑफ का गाइस, कोई भी प्लेयर्स अभी से मंडे खेलेंगे नहीं, दे विल बी टेकिंग एन ऑफ। सो कलेक्टिवली सीन ये था कि गाइस कोई भी प्लेयर को अच्छे से रेस्ट नहीं मिल रहा था। अब इन सब सिड तो ये बोल रहा था कि भाई मजदूरी के काम कर रहा है, ऐसा लग रहा था सब बस यू नो खाना पीने के लिए भी उनको टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज जल्दी से जल्दी नेक्स्ट आईडी पास आता था और उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइन भी करना पड़ता था। बहुत सारे प्लेयर्स और स्ट्रीमर्स यू नो आपको वॉच पार्टीज प्लस अपना स्ट्रीम पीओवी करते हुए देखने के लिए मिल सकता है। वेलकम एसिडल पाजी। यार मैं चैट में देख रहा था, गोडी मैंने बोला होगा गाइस तुम वेलकम क्यों लिख रहे हो, किस रीजन से लिख रहे हो बताओ। इस वजह से छोड़ना और इनएक्टिव होने में फर्क होता है ना। अबे चैट वो एसिडल छोड़ा ही कब था, जी में था एज अ प्लेयर, मैंने हमेशा बोला है कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह है, वैसे ही ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अस। हाँ ना यार, ये इन लोग वर्ड्स को गलत ले जाते हैं। वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी अभी तक कहाँ खत्म हुए हैं, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।